जींस वाले में जो आज का टॉपिक है वो मधु कामनी पे। इससे पहले जो मैंने आपको छोटी सी 5 सेकंड की क्लिप ऐड करी, वो मैंने छत से जो सनसेट का नज़ारा था वो नज़र आ रहा था। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। बात है मधु कामनी की। तो मधु कामनी के मेरे पास देखिए 2 प्लांट हैं, जो एक 8 इंच के पॉट या 6 इंच के 7 इंच के पॉट में लगा हुआ है, एक 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो इन दोनों में अभी क्या है कि बड्स बनने लगी हैं और मधु कामनी की मेरी पहली फ्लावरिंग इस सीज़न की शुरू हो चुकी है और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अभी। मतलब जैसे सेंटेड होती है, जैसे फॉग वगैरह के जो डीओ आप लेके आते हैं, वैसी ही इसमें से खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छी। और आपको छोटी छोटी देखिए बड्स कितनी सारी नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर काफ़ी सारी बड्स बन रही हैं, इधर काफ़ी सारी बड्स बन रही हैं। तो मधु कामनी आप अगर अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं तो ये सेंटेड प्लांट है, इसमें से खुशबू बहुत ज़्यादा आती है और ये घना भी बहुत रहता है। तो अभी जैसे मेरे दोनों प्लांट नए हैं, मैंने हाल फिलहाल इनको कम से कम एक इस वाले को तो मैंने हार्डली अभी 1 महीना पहले ऐड करा है, ये वाला मेरे पास कम से कम 2 महीने से है। तो विंटर की शुरुआत में मैंने इसको लेके आया था, तो लास्ट में लेके आए थे विंटर के, तो उसके बाद से इसकी काफ़ी लीफ गिरी थी, पर ये फिर से ग्रोथ करने लगा है और इसमें फ्लावरिंग अभी खिलने लगी है। मैंने इसको जो साइज़ दिया हुआ पॉट का वो 12 इंच का दिया हुआ है और इसमें मैंने जो देखिए इसकी रूट एक्सपोज हो रखी हैं, पर मैं इसको इसलिए नहीं छेड़ रहा था कहीं ये ख़राब ना हो जाए प्लांट। तो रूट एक्सपोज हो रखी है पर मैं जानता हूँ इसने अपनी रूट अभी नीचे तक ले गया होगा, तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अभी जैसा है वैसा ठीक है। मैं वैसे थोड़ा सा ठीक रखता हूँ। तो इसके पॉट साइज़ की बात हो चुकी है, मैंने इसको मेरे पास स्पेस की कमी इसलिए मैंने इसे छोटे पॉट में लगा रखा है, जब मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगा तब तो मैं इसको बड़े में कर लूँगा। फिलहाल तो मैं इसको मेन प्लांट मान के चलूँगा इधर वाले को। तो इसके जो प्राइस था वो मुझे ये दोनों के दोनों प्लांट 60-60 रुपये में मिल गए रामदेव जी के यहाँ पर। वैसे अगर आप लेने जाएंगे इसको तो कम से कम ये 100 रुपये का देते हैं लोकल नर्सरी पे, पर रामदेव जी के यहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता है और अच्छी वैरायटी मिल जाती है। तो दोनों मुझे प्लांट 60-60 रुपये के पड़े हैं। और इसकी बात की जाए धूप की, तो इसे मैं फुल सनलाइट में रखता हूँ। इसको मैंने थोड़ा शेड में इसलिए रखा है क्योंकि नया प्लांट था, अभी ये थोड़ा शेड में रहता है, पर ये फुल सनलाइट में रहता है। और सनलाइट का अभी इसमें जैसे बारिश शुरू हुई है, बारिश शुरू होते ही इसमें फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होने लगी है और बड्स काफ़ी बन रही है। अभी देखिए खिलने भी लग रही है। मुझे लगता है मुझे इस प्लांट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि रात को फूल खिलाता है दिन में, पर मैंने काफ़ी लोगों के पास देखा इस प्लांट को यूट्यूब पे, हरिद्वार में तो मैंने बहुत कम के पास देखा है। पर अभी जैसे मैं छत पे हूँ तो मेरे पास देखिए इस वाली छत पे मेरे पास देखिए एक तो ये गोल्डन चंपा हो गया, इसके फ्लावर खिले हुए हैं, ये बहुत सेंटेड प्लांट है, बहुत ज़्यादा खुशबू इसमें से आ रही है। और इधर जैसे ये गंधराज हो गया, ये गंधराज के फ्लावर खिले हुए हैं, इधर मोकरे के फ्लावर खिले हुए हैं और इधर इसके। अब तो आप सोचिए शाम को जब आप टहलने के लिए अपनी छत पे आएंगे तो आपकी जो मतलब शाम है ना वो अलग ही नज़ारे की होगी, पूरी छत पे खुशबू ही खुशबू रहती है अलग अलग प्लांट की। आप जब इधर से उधर घूमेंगे तो पूरी छत पे खुशबू ही खुशबू रहती है और इस प्लांट की जो खुशबू है वो अलग ही है, इसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि मधु कामनी का प्लांट आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि ये एक बॉन्साई के लिए भी काफ़ी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी लीफ छोटी छोटी हैं, तो कुदरती रूप पे इसकी लीफ छोटी हैं तो ये बॉन्साई का आसानी से शेप ले लेता है। और सोचिए जब ये बॉन्साई की शेप ले चुका होगा, इस पर छोटे छोटे फ्लावर आ रहे होंगे, तो कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ शुरू होगी। अभी जैसे बारिश का मौसम शुरू हो चुका है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा इसकी कहीं से आपको कटिंग मिल जाए तो कटिंग लगा लीजिएगा, क्योंकि सारे प्लांट ये कटिंग से चले हुए हैं, कोई एयरलेयरिंग वगैरह नहीं हो रखी है इन पर, ना कोई सीड्स होता है, ये कटिंग से चले हुए हैं। अगर कोई कटिंग आपको मिल जाती है तो ज़रूर लगाइएगा इसको। इस बारे में मेरे पास इस प्लांट के बारे में कोई भी अपडेट होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी बस मैं ये कहूँगा अभी ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज मत कीजिएगा अपने प्लांट को, क्योंकि बारिश का मौसम है, इस पानी में वैसे ही नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है। आप अलग से कुछ फीड मत कीजिएगा, 1-1.5 महीने बाद दीजिएगा, तो ये नहीं है अभी नेचुरली ग्रोथ करने दीजिए जैसा ही कर रहे हैं। थैंक यू।